हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास आज आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप दिवाली से रिलेटेड जो डेकोरेटिव आइटम है, उस तरह का जो बंधनवार में यूज होता है, तोरण में यूज होता है, वो मटेरियल दिखाएं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और पिछली जो मैंने बूटीक की वीडियो डाली थी और बेस की डाली थी, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो का भी आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मटेरियल कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले ये स्क्वायर रिंग है, ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। इसको आप बंधनवार में भी यूज कर सकते हैं और जो टी होल्डर होता है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये डेकोरेटिव आइटम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये स्क्वायर रिंग है, ये देखिए एक ओपन है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका साइज है, आपको इजिली पता चल जाएगा। और ये देखिए इस तरह से मेरे पास इसमें काफी सारे कलर हैं। और इस तरह से आपको ये 10 पीस का एक पैकेट होता है, ये पैकेट में मिलेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास इसमें ग्रीन कलर अवेलेबल है, ये देखिए इसमें मेरे पास येलो कलर अवेलेबल है, ये देखिए इसमें मेरे पास रानी पिंक अवेलेबल है। इसमें मेरे पास 3 कलर अवेलेबल हैं स्क्वायर वाले रिंग में। इसी तरह मेरे पास गोल भी है, ये देखिए ये सर्कल में है। और ये आपको ये भी इसी तरह से 10-10 पीस करके मिलेंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये देखिए ये सर्कल में है और इसमें मेरे पास सिर्फ पिंक कलर ही अवेलेबल है। और प्राइस के लिए प्लीज आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो मटेरियल आपको चाहिए, और आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पे मैं सभी का प्राइस आपको बता दूंगी विद क्वांटिटी। जो आपकी मिनिमम क्वांटिटी होगी वो भी मैं वहीं पे मेंशन कर दूंगी, और स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे हैं। ये देखिए इसमें मेरे पास ये पिंक कलर अवेलेबल है, ये देखिए फ्रेंड्स ये छोटे वाले रिंग है, ये मेरे पास येलो कलर में अवेलेबल है। और ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं बंधनवार में, ये आप देख सकते हैं इस तरह से रिंग है, गोटा लगा हुआ है और बाहर मोती लगे हुए हैं व्हाइट और गोल्डन। तो ये देख सकते हैं इसका साइज, आप देख सकते हैं कि छोटा है। इसका दोनों तरफ से यूज होता है, रिवर्सिबल। आप इस तरह से अगर कुछ यहाँ पे कैंडल होल्डर बनाना चाह रहे हैं, टी लाइट होल्डर, तो यहाँ पे भी कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, और इसको राइट साइड से भी इस तरह से करके कर सकते हैं। और बाकी प्राइस वगैरह मैं सबको सब आपको मेंशन कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और इसमें मेरे पास सिर्फ येलो कलर ही अवेलेबल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल में है, गोटा रिंग इसको बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से रिंग है और बाहर इस तरह से ये गोटा लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं इसका भी साइज बड़े वाला साइज है। इसमें काफी सारे साइज आते हैं, मेरे पास ये वाला अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें मेरे पास स्क्वायर भी है, ये देखिए फ्रेंड्स ये स्क्वायर में रिंग है, ये भी इसी तरह से गोटे के रिंग है, साइज आप देख सकते हैं। ये देखिए ये स्क्वायर रिंग है, उसके ऊपर ये गोटा लगा हुआ, ये गोल्डन कलर में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी मेरे पास फिलहाल यही साइज अवेलेबल है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बता सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेटल की प्लेट बोलते हैं इनको, ये भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है डेकोरेटिव आइटम में। इसको आप बंधनवार में भी यूज कर सकते हैं, तोरण में भी, जिस तरह से भी आपकी इच्छा हो, ये काफी यूजफुल है। ये देखिए, और ये आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, ये मेरे पास गोल में है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और इसी तरह से ये देखिए, मैंने आपको रिंग दिखाए थे, इस तरह से आप इसके ऊपर इसको पेस्ट करके यहाँ पे जो कैंडल होल्डर होता है वो लगा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्क्वायर वाली प्लेट है, ये मेटल की प्लेट होती है। ये देखिए, ये अभी मैंने आपको रिंग दिखाए थे, इसी तरह की ये है। और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट हो जाएगी, और इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन या कोई भी फ्लावर वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इससे काफी सारी चीजें बनती है, तो वो देखिए इस तरह से आप कुछ भी इसको यूज कर सकते हैं। बंधनवार में भी चाहते हैं तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको तोरण वगैरह, ये काफी चीजों में यूज होती है, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी। तो ये देखिए अभी मैंने आपको दिखा दिया है, ये मेरे पास इसमें स्क्वायर भी है, और ये मैं आपको बता दूं, ये मेटल की प्लेट होती है, ये प्लास्टिक की नहीं है, मेटल की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैंडल होल्डर है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है, इसके अंदर कैंडल आती है वैक्स वाली, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बाहर का डिजाइन इस तरह से है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक सैंपल के लिए दिखा देती हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, जो अभी मैंने सर्कल वाली प्लेट दिखाई थी, उसके ऊपर आप इस तरह से डेकोरेट करके बीच में ये कैंडल होल्डर लगा सकते हैं, और यहाँ बीच में आप वैक्स वाली कैंडल डाल सकते हैं। तो इसे आप कहीं भी डेकोरेटिव आइटम यूज करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा दिवाली पे। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोटा बॉल है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही लाइट वेट है,
इसको भी जब आप हैंगिंग में यूज करते हैं या डेकोरेटिव आइटम में यूज करते हैं तो बहुत इजीली ये चिपक भी जाती है और इसके बीच में होल भी होता है, तो जब बंधनवार में आप इस तरह से लटकाने के लिए हैंगिंग का कुछ भी बना रहे हैं तो लटकन भी बन जाएगी इससे। और इसमें मेरे पास गोल्डन कलर है और इसमें मेरे पास ये ग्रीन कलर है और ये मेरे पास इसमें रानी पिंक कलर है, ये आप देख सकते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो ये पॉम्पम लगे हैं तो ये भी मेरे पास बहुत सारे कलर में है। ये देखिए, ये रानी कलर का पॉम्पम है और ये देखिए साइज मैं आपको दिखा देती हूँ, काफी बड़ा साइज है पॉम्पम का, तो इसमें भी मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। ये रानी पिंक कलर है और इसमें मेरे पास येलो कलर है, इसमें मेरे पास डार्क ब्लू कलर है, इसमें मेरे पास ये डार्क ग्रीन कलर है, इसमें मेरे पास चार कलर है पॉम्पम में। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बता सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से, ये भी कैंडल होल्डर इस तरह से आप इस पे रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सारा गोटे से कवर है और यहाँ पे ये थ्रेड से कवर है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है अगर इसको आप डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज करते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर कैंडल होल्डर रख देंगे और ये देखिए इस तरह से आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे, या फिर ये आप कहीं पे भी डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज कर सकते हैं, एलईडी पैनल पे या फिर आपकी जो सेंटर टेबल है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसमें मेरे पास रेड कलर अवेलेबल है, ये देखिए आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और इसके अंदर वैक्स वाली कैंडल डालेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पपेट है और ये भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, ये देख सकते हैं आप इस तरह से पेयर में मिलेंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, ये आप देख सकते हैं इनको किस तरह से यूज करना है, ये भी मैं एज अ सैंपल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो मैंने आपको ये प्लेट दिखाई थी और उसके ऊपर ये रिंग है और ये देखिए ऊपर ये हैंगिंग के लिए रिंग लगा दिया है और यहाँ पे ये कैंडल होल्डर लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि दिवाली के लिए अगर हम इसे कहीं पे हैंग करेंगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा, इस तरह से आप इसको पेयर में बना सकते हैं। तो ये मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए ये इस तरह से पेयर में बनेंगे, ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं और यहाँ पे मैंने ये शुभ लाभ के स्टिकर भी लगा दिए हैं, तो इस तरह से भी आप इनको हैंग कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लोटस है, ये भी आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, ये आप देख सकते हैं MDF में है, ये बैक से आप देख सकते हैं और यहाँ पे दोनों साइड इसमें होल है ताकि आप इसको हैंगिंग बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पिंक कलर में अवेलेबल है, ये 3 इंच में है मेरे पास और इसी में मेरे पास 4 इंच में भी है और ये देखिए आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। ये मैंने हैंगिंग बनाई है, ये देखिए ये सारा सामान मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाली बॉल भी और ये देखिए इस तरह से लटकन का यूज करके, मोती का यूज करके बहुत ही ब्यूटीफुल ये हैंगिंग बन जाएगी। ये देखिए, अगर आपको ये सब भी जानना है किस तरह से बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो मुझे इस तरह से जो भी आइडियाज न्यू होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट ये वाले हैं, ये भी पिंक कलर में ही है, ये लोटस वाले फ्लावर और ये 4 इंच में है। मेरे पास 2 साइज है, 3 और 4 और मेरे पास कलर पिंक कलर ही अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी मैंने हैंगिंग बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बड़े वाले फ्लावर के साथ मैंने बनाई हुई है और इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो जहां भी हमें एज डेकोरेटिव इसे हम हैंग करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। ये देखिए आपके पास जो भी मटेरियल है आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इसे आप कहीं पे भी हैंग कर देंगे डोर के दोनों साइड या फिर आपका कोई पूजा मंदिर है तो पूजा के मंदिर के दोनों साइड, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और इसे अगर आप चाहते हैं तो हैंग कर दीजिए और नहीं तो ये बिल्कुल लाइट वेट है, आप इसे चिपका भी सकते हैं इजिली, ये कहीं पे भी चिपक जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही लाइट वेट होते हैं, तो इस तरह से आप इस तरह की ये हैंगिंग वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटदाना बॉल बोलते हैं इसे, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गोल्डन कलर के इसमें कट मोती लगे हुए हैं, ये देखिए इसमें गोल्डन कलर के कट मोती लगे हुए हैं और ये काफी बड़ी बॉल है और इसमें देखिए होल है, तो अगर आप हैंगिंग में इसको यूज करना चाहते हैं तो हैंगिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसे चिपकाना चाहते हैं तो आप चिपका भी सकते हैं, इजिली ग्लू गन से चिपक जाएगी। और एक ये देखिए दूसरी तरह की ये भी बॉल है और इसमें व्हाइट वाली मोती लगे हुए हैं, ये देखिए ये भी कटदाना की बॉल थी और ये मोती की बॉल है, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के छोटे छोटे मोती लगे हैं, बीच में यहाँ पे सलमा का ये वर्क हो रखा है, तो
तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इसमें भी बीच में होल है, तो इसको भी आप हैंगिंग में यूज करना चाहते हैं, और जिस तरह से मैंने इसमें ये दिखाया था आपको प्लेटर, तो आप इस वाले की जगह ये वाला भी यूज कर सकते हैं, तो और भी सुंदर लुक आएगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मटेरियल को किस तरह से यूज करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया है, और आपको अगर कोई चीज जाननी है कि किस तरह से बनेगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हैं, ये मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह के फ्लावर्स हैं। ये प्लास्टिक के होते हैं, बट आपको दूर से बिल्कुल रियल लगेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरी इस तरह से ये स्ट्रिंग होती है, ये देखिए इस तरह से पूरी लड़ी होती है, तो ये आपको मिलेगी पूरी। ये देखिए, ये मेरे पास दो कलर हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है। येलो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल के फ्लावर की तरह लग रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपको पूरी एक लड़ी मिलती है, और ये मेरे पास अभी फिलहाल ये दो कलर हैं। ये देखिए, इनका भी मैं यूज आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास MDF का बेस है, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें MDF का बेस यूज हुआ है, और यहाँ पे जो रिंग प्लेट वगैरह मैंने दिखाई थी वो यूज हुआ है। यहाँ पे आप पॉम पॉम और ये फ्लावर यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा टी लाइट कैंडल बन गया है। ये बहुत ही सुंदर शोपीस बन गया, आप इसे कहीं भी डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। ये एज अ रंगोली की तरह भी सुंदर लगेगा, बीच में आप एक्स वाला आप कैंडल लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको आइडियाज दिए हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये MDF की बेस है, ये बिल्कुल सॉलिड है, ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी, और इसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन करते हैं तो वो जल्दी डैमेज नहीं होगा और बहुत ही मजबूत काम होगा। ये देखिए, ये इसी के ऊपर बने हुए हैं इस तरह से, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये भी आपको मिल जाएंगे। मेरे पास फिलहाल में ये 6 इंच डायमीटर के हैं, यहां से लेके यहां तक का इसका ये 6 इंच डायमीटर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की इसकी लंबाई 6 इंच है, तो फिलहाल मेरे पास ये 6 इंच में अवेलेबल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी MDF बेस में है, ये दिवाली डेकोर में बहुत ही काम आते हैं। ये बैक से आप देख सकते हैं इस तरह से है, और यहाँ पे दोनों साइड होल है, इससे आप हैंगिंग भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने इसका बताया आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हैंगिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों साइड यहाँ पे होल है, तो इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी डेकोरेशन आइटम में इसका यूज कर सकते हैं दिवाली के लिए। तो ये मेरे पास अभी इसमें है, अगर आपकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी बता सकते हैं, और प्राइस के लिए आपको जो भी पसंद आ रहा है प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, तो फिर मैं आपको सारी चीजों का प्राइस और विद मिनिमम क्वांटिटी वो आपको सारा शेयर कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से है, इसका जो मैं आपको दिखाया है ये, इसको आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने अभी बॉल्स दिखाई थी उनको, और ये जो लटकन है इसके साथ, अगर इसके साथ व्हाइट लटकन भी यूज करते हैं तो वो और भी सुंदर लगती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही डेकोरेटिव पीस है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, इस तरह की लटकन का भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये व्हाइट लटकन है, आपको जो पसंद हो आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट पसंद आता है तो इस तरह से व्हाइट के साथ, ये देखिए वहां पे व्हाइट लगी हुई, तो और भी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से व्हाइट के साथ भी यूज कर सकते हैं, और ये रिवर्सिबल है, ये आप देख सकते हैं बैक से भी और इस तरह से भी। और इसमें अगर आप हैंगिंग करना चाहते हैं, अगर आप इसको एज अ डेकोरेटिव पीस सेंटर टेबल पे रखना चाहते हैं या कहीं पे रखना चाहते हैं, तो एज इट इज इसको रख सकते हैं, और अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको हैंगर वो दिखाए थे, हैंगिंग वाले सर्कल, यहाँ पे उनको आप हैंग कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। ये रिवर्सेबल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये देखिए, और ये किस तरह से बनेगा आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं इस तरह के जो और भी आइडियाज हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की ये लटकन होती है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बंधनवार में और जो भी आप बना रहे हैं तोरण वगैरह उसमें भी ये यूज होती है। देखिए, इस तरह की लटकन है, ये थोड़े मोटे मोती हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाई, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा बंच है, तो इस तरह से आप इनका भी यूज कर सकते हैं डेकोरेटिव आइटम में, जहां भी आपको हैंगिंग की जरूरत हो, इसको बंधनवार में भी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ठीक फ्रेंड्स, ये हैंगिंग है, ये इस तरह के हुक होते हैं जिन्हें आप कोई भी बंधनवार या आप जो भी वॉल हैंगिंग बना रहे हैं तो इसको आप हैंग करने में यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था, जब भी कोई आप बनाएंगे
कोई भी डेकोरेटिव आइटम। तो अगर आपको हैंग करने के लिए चाहिए, एज इट इज अगर रखने के लिए चाहिए तो ठीक, अगर हैंग करना है तो आपको इस तरह के रिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास ये रिंग भी है, तो इनसे आप इजिली कहीं पे भी इनको हैंग कर सकते हैं। तो ये भी आपको मेरे पास मिल जाएंगे गोल्डन, और ये मेरे पास अभी गोल्डन कलर में अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये लड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये रजनीगंधा बोलते हैं इसको। ये प्लास्टिक का है, ये सारे प्लास्टिक के फ्लावर हैं। इनको भी बहुत अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं। जब आप बंधनवार बनाते हैं तो इस तरह से हैंग करने के लिए जब हम ऊपर से इस तरह से करते हैं तो ये उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। ये देखिए, इस तरह की लड़ियों से आप इसको इस तरह से आप यू शेप में करके डेकोरेशन कर सकते हैं, या फिर कोई हैंगिंग आइटम बनानी है तो आप इस तरह से इनके फ्लावर्स सेपरेट करके निकाल के, ये देखिए धागे में पिरोए हुए हैं, इनको सेपरेट करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी एक लंबी स्ट्रिंग मिलती है आपको, एक लड़ी मिलती है, और ये मेरे पास व्हाइट कलर में है, आप देख सकते हैं। दूर से बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बिल्कुल रियल की तरह लगते हैं। तो इन्हें आप डेकोरेटिव आइटम ही यूज कर सकते हैं, और आजकल इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो मेरे पास ये भी अवेलेबल है। ये पिछवाई काव है, ये भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। ये देखिए, मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। इससे भी आप बहुत अच्छे अच्छे हैंगिंग बना सकते हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये देखिए, मैंने जो मेटल वाले फ्लावर आपको, जो लोटस वाले फ्लावर दिखाए थे, उसके साथ हम इनका यूज करके बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी MDF की बनी हुई है, ये आप पीछे से भी देख सकते हैं, फाइन क्वालिटी है। और ये देखिए आगे से, और इस तरह से आपको पेयर मिलेगा, ये देखिए इस तरह से मिलेंगे। इनको भी आप बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, बीच में स्टोन लगा सकते हैं, जो 14 mm 10 mm के स्टोन होते हैं, और इन काउस को आप बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ आप जो मैंने लोटस दिखाए थे उनके साथ भी आप इनकी वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है, आप इसके साथ बीच में इस तरह से स्काउ को भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं। देन ये वाली जो मैंने नीचे हैंगिंग लगाई है, आप यहाँ लगा सकते हैं, और ये जो काव है इसमें भी आपको यहाँ पे होल मिल जाएगा, तो इजीली आप इसको हैंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इनमें होल बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो आप जब इनको हैंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से आप इनको हैंग कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है इसकी हैंगिंग। ये देखिए, आप इसको इसके साथ यूज करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी, तो इसे आप इस यूज कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आप लोगों की डिमांड आ रही थी, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो और बना दूं जिसमें बाकी का जो मटेरियल है वो भी कवर हो जाए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा मटेरियल है जो बंधनवार में यूज होता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को आज का मटेरियल, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।